मैं यहाँ पर उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय जी का आज के इस भव्य एवं सुंदर उद्घाटन समारोह में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो एक सजद चक्षा सूर्य जायत सोत्रद्वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तु ते ओम अग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्र देवता हमारी परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन के पश्चात हम ईश वंदना करते हैं, तो मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि गणेश वंदना प्रारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा और दूसरे हाथ में कुरान तथा पूरे व्यक्तित्व में भारत देश के लिए अमिट सम्मान रखा है। आपने इस देश की माटी को अपने माथे पर तिलक के रूप में सजाकर व्यक्ति को व्यक्तित्व से जोड़ने की पूरी पूरा प्रयास किया है और इसी महान कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत। माननीय राज्यपाल जी के हाथों हमारे अस्पताल की ब्रोशर का विमोचन, जो सफर हमने आई चैरिटेबल हॉस्पिटल श्री हरदेव महाराज जी आशुतोष जी साहब डॉक्टर जैन, मैं बहुत माफी चाहता हूँ सबके यहाँ पे संत जैन है,
उनकी शक्ति मेरा श्रद्धा पूर्वक प्रणाम भाई और बहन। हमारे यहाँ एक बात कही, आपने यहाँ बैठे बैठे मुझे ध्यान आया, हमारे यहाँ एक बात कही गई, इस संसार को विष विरक्ष कहा गया। संसार विष विरक्षस्य दुई फले अमृतोपमे, काव्य अमृत रसा स्वादा संजापा सज्जना नील सहा। संसार तो विष विरक्ष है, लेकिन इसमें दो फल हैं जो अमृत के समान, और वो दो फल हैं, एक तो जिसे प्रज्ञा कहते हैं, विजडम कहते हैं, इल्म कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो जिन पुस्तकों में है उन दो फलों में से एक माना गया है, और दूसरा फल माना गया है महाराज आपका सानिध्य प्राप्त हो, इसको दूसरा फल माना गया है। सज्जना ने सल्लापा सा, तो यहां पे दोनों फल मिल रहे हैं पूरे जोर से। मुझे महाराज की विशेष कृपा है, उन्होंने मुझे, हम धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, स्क्रिप्चर भी कहते हैं, सहीफा भी कहते हैं, और सबसे बढ़ के है कि ये ज्ञान नहीं, ये प्रज्ञा का भंडार है, बुक्स ऑफ विजडम, केवल श्रद्धा व्यक्त करने का साधन नहीं। बल्कि वो सीखने का स्रोत है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। डॉक्टर जैन, उनकी टीम, जिनको डॉक्टर्स जो सामने बैठे हुए हैं, जो उनके कोविड वॉरियर्स हैं, उनको मैं केवल इतना, इस अस्पताल में तो खैर महाराज की कृपा से उन्होंने जो यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे उनके लिए भी जो कम से कम संभव है उसका प्रावधान किया है, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा ज्यादा भी अगर, तो डॉक्टर की मेहनत की के बदले में ही तो आप कुछ पेमेंट कर सकते हैं, उसकी जो जिस भावना के साथ, जिस काइंडनेस के साथ, जिस करुणा भाव के साथ वो आपकी सेवा करता है, डॉक्टर भी और अस्पताल में काम करने वाले दूसरे लोग, उसका कोई पेमेंट संभव है ही नहीं, केवल कृतज्ञता व्यक्त की जा सकती, केवल उसको महसूस किया जा सकता। ध्यान करिए, बीच में सब लोग मास्क लगाए हुए अस्पताल में, तो मुझे भी कोविड हुआ, और उस वक्त इन डॉक्टरों की और काम करने वालों की हिम्मत की सिवाय आप उसकी तारीफ करें दूसरा कुछ नहीं, कि जहां हम अपने परिवार में भी आप इंसान के दिल में डर बैठा हुआ है कि कहीं मुझे ना लग जाए, और ये अपनी जान की बाजी लगा के उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनसे उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं,
लेकिन ये मर्यादा का पालन कर रहे हैं। मर्यादा ये है कि जब ये डिग्री लेते हैं तो ये एक शपथ लेते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये मरीज कौन है, ये कहां से आया, इसकी आस्था क्या है, इसकी प्रजाति क्या है, इसका लिंग क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, क्या भाषा बोलता है इससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम उसके दर्द का निवारण करना है। और ये महाराज डॉक्टरों की ओर तो जब से ये साइंस डेवलप हुई है तब से आई है, भारतीय संस्कृति ने तो ये सबक आज से हजारों साल पहले दिया, हजारों हजारों साल। इसीलिए हमारी संस्कृति भी, जितनी बातें मैंने कही, हमारी संस्कृति भी ना भाषा से परिभाषित होती है, ना आपकी क्या आस्था है और आप उसकी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं उससे भी परिभाषित नहीं होती, आप क्या भाषा बोलते हैं उससे नहीं परिभाषित होती, आपके रस्म रिवाज क्या है उससे नहीं प्रभावित होती, परिभाषित होती है आत्मा से, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। मेरे अंदर भी वही दिव्यता है जो तुम्हारे अंदर है, और जिसकी एक बात बार ये बात समझ में आ गई कि वो हर किसी के अंदर विराजमान है, वो दूसरे के पैर के ऊपर अपना पैर कभी नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। इसलिए बावजूद इसके के हजारों हजार साल तक हमें ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र माना गया भारत का, देखिए 10वीं शताब्दी तक यूरोप तो अंधकार में था, आज यूरोप जो दुनिया का नेतृत्व कर रहा है पश्चिमी देश, तो 10वीं शताब्दी तक अंधकार में था। हाँ 7वीं शताब्दी के बाद जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते, वहां पे ज्ञान के क्षेत्र में फिर गति आने आई थी। और उसके जो एक नई चेतना पैदा हुई थी 7वीं शताब्दी में, जिसके नतीजे में बगदाद में बैतुल हिकमा और ऐसी संस्थाएं बनी, और उस के नतीजे में जो इतिहास के लिखने वाले आए, उन इतिहास के लिखने वालों ने, आप चाहे, मैंने पहले ही कहा आपसे, यूरोप उस वक्त अंधकार में था, और ये वो समय था जब यूनान ग्रीस उसमें जो ज्ञान विकसित हुआ था यूरोप के ने नवी 10वीं सदी में प्लेटो की एकेडमी में भी ताले डाल दिए। उन्होंने कहा था कि जो नया हमने धर्म स्वीकार किया है, ये जो शिक्षा है ये उसके अनुरूप नहीं, उसमें भी ताला डाल दिया। उस वक्त बगदाद से निकलने वाले जो लेखक थे, खास तौर से इतिहासकार, 9-9, 10-10 वॉल्यूम में उनकी इतिहास की पुस्तकें हैं, दुनिया का इतिहास उन्होंने लिखा है। और मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे एक खुशी भी होती है और गर्व की अनुभूति भी होती है। तो कहते हैं कि दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां हैं या डोमिनियंस हैं, चीन अपनी कला कौशल के लिए, रोम अपनी सुंदरता के लिए, तुर्की अपनी बहादुरी के लिए,
ईरान अपने वैभव के लिए जाना जाता है और भारत अपने ज्ञान और प्रज्ञा का जो प्रोत्साहन है और संवर्धन है उसके लिए दुनिया में एक ही जगह जानी जाती है, वो भारत है। और आपने अभी जो किताब में ये आपने मुझे एक कैसे मैं धन्यवाद करूं कि आपने ये इतनी शानदार किताबें मुझे दी हैं, तो उस पर मुझे ध्यान आया कि प्रॉफिट साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात कही हुई बातों को हदीस कहा जाता है। आपने सुना होगा भारत का एक उसे कहते हैं कौमी गीत, उसमें बहुत सारी भारत की स्तुति है, उसमें एक लाइन आती है और लाइन है मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। अब बहुत कुछ समझ में नहीं आता कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा से क्या मतलब। जब मैंने उसका जो असल शब्द है वो पढ़े तो समझ में आया कि क्या कहा गया। इसके असल शब्द है अजीदु रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की भूमि से ज्ञान और प्रज्ञा की हवा के शीतल झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। अब मैं बहुत दफा ये बात कहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं अपने ज्ञान और प्रज्ञा को जिसकी हवा के झोंके वहां तक पहुंच रहे थे मैं उसे जानने का प्रयास करूं क्या है वो, और अगर मैं उसे जानने का प्रयास करूंगा तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि उसके नतीजे में दुनिया में ऐसा माहौल बन सकता है जो वास्तव में शांति देने वाला माहौल, भाईचारा बनाने वाला माहौल, प्यार और मोहब्बत का माहौल हो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की ये मत समझिएगा कि मैं किसी दूसरे को रन डाउन कर रहा हूं, नहीं, अपने अपने आधार हैं, लोगों ने अपने अपने तरीके से चीजों को परिभाषित किया। भारत के ऋषियों और मुनियों ने हमारी संस्कृति को परिभाषित किया है आत्मा से। भाषा आप भाषा को आधार बनाइए मानिए, तो अगर हम हिंदी को आधार बनाएंगे तो हम मलयाली को बाहर कर देंगे, तेलुगु बोलने वाले को बाहर कर देंगे, तमिल बोलने वाले को बाहर कर देंगे। हम अगर आस्था और पूजा अर्चना के जो तरीके हैं तो ये मत समझिएगा कि विभिन्न परंपराएं, एक परंपरा भी नहीं, एक घर के अंदर दो बहनें हैं, एक सैटरडे को फास्ट करती है एक मंडे को करती है, तो एक को बाहर करो। हमने बाहर किसी को किया ही नहीं, हम जानते ही नहीं बाहर करना। हमने कहा नहीं ये आधार नहीं है, हर एक कहा है रुचिनाम वैचित्रिया गर्जु कुटिल नाना पर जो शाम निर्णाम को गम्य कौन सी पैसा मानना भी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिकागो में कि हम तो मैं तो ऐसे देश से आता हूं जहां उस वक्त हमारी पॉपुलेशन नहीं होगी 35-40 करोड़, तो कहते मैं तो ऐसे देश से आता हूं जहां पे लोग सुबह को इस प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करते हैं कि हे प्रभु जिस तरह विभिन्न नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए आखिर में जाके समुद्र में लीन हो जाते, इसी तरह फिर वो हम इंसान अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने अपने तरीके अपनी समझ के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हुए लेकिन आखिर में जाके फिर वो आप भी लीन हो जाते। हमने रास्ते तो कभी इशू नहीं बनाया भारत, और ये तो छोड़ दीजिए आस्थावान, हमारे यहां तो विपरीत भक्ति की कल्पनाएं जो गाली पके वो भी भक्त है,
रावण के पैरों के पास जाके वो जो ज्ञान उसके पास था वो उस पे आचरण करता हो या ना करता हो, लेकिन श्रद्धा पूर्वक जाके उसके पैरों के पास खड़े होकर उससे वो ज्ञान ले लो। ये समावेशी संस्कृति है और यही रास्ता है पूरी दुनिया के लिए, जहां हम किसी के बारे में जजमेंट में ना बैठे। मुझे हक नहीं दिया कि मैं फैसला करूं कि आप सही हैं या गलत, आपको हक नहीं दिया कि आप मेरे बारे में। एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति संभाव, एक दूसरे के प्रति सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनं ध्रुवम् परोपकारस्तु पुण्याय पापाय पर पीड़नम्। सारी किताबों का एक भी किताबें हैं पर निचोड़ एक है, दूसरे का भला करो तो ये पुण्य है और दूसरे को नुकसान पहुंचाओ तो ये पाप है। और अगर और गहराई से आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में पराये की कल्पना ही नहीं है, दूसरे की कल्पना ही नहीं है, क्योंकि वो जो आत्मा है उसकी डोर से हम सब बदलो। What goes around comes around। मैं आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाता, आप मुझे फायदा नहीं पहुंचाते। अगर मुझे सही याद नहीं तो महाराज ठीक कर देंगे। का कस्य चो कुरुते कस्य प्राणी करोत्तम कर्मा कर्मा सर्वम आत्मार्थम आत्मना। मैं कुछ करूं भी अगर तो मुझे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं आपका अच्छा करूं, वो अल्टीमेटली मेरे ही पास आना है। तो मैंने आपको बहुत देर आपका समय लिया, रोक नहीं पाया अपने आपको। महाराज मुझे पहले आना चाहिए था, मैं बस यही बात कह के जा रहा हूं, महाराज की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मुझे पहले आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया ये कोविड प्रकरण के चलते हुए। और बस ये उम्मीद करता हूँ महाराज का आशीर्वाद बना रहे और आप सबकी शुभकामनाएं बना रहे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। उसके नतीजे में दुनिया में ऐसा माहौल बन सकता है जो वास्तव में शांति देने वाला माहौल, भाईचारा बनाने वाला माहौल, प्यार और मोहब्बत का माहौल हो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की ये मत समझिएगा कि मैं किसी दूसरे को रन डाउन कर रहा हूं, नहीं, अपने अपने आधार में लोगों ने अपने अपने तरीके से चीजों को परिभाषित किया। भारत के ऋषियों और मुनियों ने हमारी संस्कृति को परिभाषित किया है आत्मा से। भाषा, आप भाषा को आधार बनाइए मानिए, तो अगर हम हिंदी को आधार बनाएंगे तो हम मलयाली को बाहर कर देंगे, तेलुगु बोलने वाले को बाहर कर देंगे, तमिल बोलने वाले को बाहर कर देंगे। हम अगर आस्था और पूजा अर्चना के जो तरीके हैं तो ये मत समझिएगा कि विभिन्न परंपराएं, एक ही एक परंपरा भी नहीं, एक घर के अंदर दो बहनें हैं, एक सैटरडे को फास्ट करती है, एक मंडे को करती है, तो एक को बाहर करो। हमने बाहर किसी को किया ही नहीं, हम जानते ही नहीं बाहर करना। हमने कहा नहीं ये आधार नहीं है, हर एक कहा है रुचिनाम वैचित्रिया निर्जु कुटिल नाना बज्जु श्याम निर्णाम को गम्य स्वंसी पैसा मानना भी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिकागो में, ये हम तो मैं तो ऐसे देश से आता हूं जहां उस वक्त हमारी पॉपुलेशन रही होगी 35-40 करोड़, तो कहते मैं तो ऐसे देश से आता हूं जहां पे लोग सुबह को इस प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करते हैं
कि हे प्रभु, जिस तरह विभिन्न नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए आखिर में जाके समुद्र में लीन हो जाते हैं, इसी तरह प्रभु हम इंसान अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने अपने तरीके, अपनी समझ के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हुए, लेकिन आखिर में जाके प्रभु आप में लीन हो जाते। हमने रास्ते को कभी इशू नहीं बनाया भारत, और ये तो छोड़ दीजिए आस्थावान को, हमारे यहाँ तो विपरीत भक्ति की कल्पनाएं जो गाली बके वो भी भक्त है। रावण के पैरों के पास जाके वो जो ज्ञान उसके पास था वो उसमें आचरण करता हो या ना करता हो, लेकिन श्रद्धा पूर्वक जाके उसके पैरों के पास खड़े होकर उससे वो ज्ञान ले लो। ये समावेशी संस्कृति है और यही रास्ता है पूरी दुनिया के लिए, जहां हम किसी के बारे में जजमेंट में ना बैठे। मुझे हक नहीं दिया कि मैं फैसला करूं कि आप सही हैं या गलत, आपको हक नहीं दिया कि आप मेरे बारे में। एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति संभाव, एक दूसरे के प्रति सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनं ध्रुवम् परोपकारस्तु पुण्याय पापाय पर पीड़नम्। सारी किताबों का एक ही किताबें हैं पर निचोड़ एक है, दूसरे का भला करो तो ये पुण्य है और दूसरे को नुकसान पहुंचाओ तो ये पाप है। और अगर और गहराई से आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में पराये की कल्पना ही नहीं है, दूसरे की कल्पना ही नहीं है, क्योंकि वो जो आत्मा है उसकी डोर से हम सब बदले हुए। What goes around comes around। मैं आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाता, आप मुझे फायदा नहीं पहुंचाते। अगर मुझे सही याद नहीं तो महाराज ठीक कर देंगे, का कस्य चो गुरु दे प्राणी करोत्तम कर्मा कर्मा सर्वम आत्मार्थम आत्मना। मैं कुछ करूं भी अगर तो मुझे ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं आपका अच्छा करूं, वो अल्टीमेटली मेरे ही पास आना है। तो मैंने आपको बहुत देर आपका समय लिया, रोक नहीं पाया आपने आपको। महाराज मुझे पहले आना चाहिए था, मैं बस यही बात कहके जा रहा हूँ, महाराज की मेरे ऊपर बड़ी कृपा, मुझे पहले आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया ये कोविड प्रकरण के चलते हुए। और बस ये उम्मीद करता हूँ महाराज का आशीर्वाद बना रहे और आप सबकी शुभकामनाएं बना रहे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। योगेंद्र मीडियम भवरोग श्रीमद गुरु नित्यम नमामि। अभी आपने माननीय राजपाल महोदय का आपने वक्तव्य सुना, ये सार गर्भित है, ये मेरे देश की संस्कृति है, मेरे देश की सुगंध है, ये उसके आंगन के वो पुष्प हैं जो भारत माता जी से सुगंधित होती है। मेरे इसी बीच में तो समय जो है 2 मिनट का है, उनमें ज्यादा परिचय नहीं है। मेरे आशुतोष टंडन जी जो हैं वो मेरे से 40 साल से इनके पिताश्री जुड़े हुए हैं और इसके इनका मेरा है, मैं लखनऊ जाता हूँ तो वहीं ठहरता हूँ। आपने अपने मंदिर का उद्घाटन भी मेरे हाथों से कराया। इसी मध्य में हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल के शुरू से फाउंडर कहिए नवनीत सहगल साहब हैं, जिन्होंने जो है इस हॉस्पिटल को हमेशा जो है अपना
सहयोग दिया है लोगों को लेकर, और हमारी एडवाइजर कमेटी में सैगल साहब जो हैं उसके प्रेसिडेंट हैं, मैं सभी लोगों का जो है यहाँ स्वागत करता हूँ। अभी नितिन वर्मा हमारे यहाँ अपनी पद पर जो है मरीज को देखने चले गए थे, तो सभी डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर सोडी हैं जिन्होंने 250 ऑपरेशन हमारे यहाँ किए, डॉक्टर त्रिपाठी हैं, हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं सभी लोगों का है। मैं इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विश्राम देने जा रहा हूँ कि आज हमने भेंट किया है पुस्तक जिसमें एक तरफ कुरान है, उठाइए, एक तरफ कुरान और एक तरफ रामचरित मानस है, तो रामचरित मानस में ये लिखा है, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां विपत तहां। पूरी लाइन आप लोग नहीं करेंगे तो यह अभी आपने श्लोकों को प्रतिपादन किया है जो है, इसी को कहकर मैं सभी का जो है यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पधारे। और अभी अभी एक हमारा व्यक्ति जो है यहाँ आया है पानीपत से, विमला जी का लड़का, उसने भी एक एम्बुलेंस देने के लिए जो है यहाँ बोला है, उसने भी एक एम्बुलेंस दिए। अब हमारे पास दो हैं जो हैं ज्वाइल जो केरल से हैं और थॉमस हैं जो केरल से हैं, वो गंगा जल जो है यहाँ पर भेंट करेंगे और उसके बाद हम उद्घाटन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ स्कूल का शिलान्यास है। समझे से तो बड़ी छोड़ी आप तो गंगा जल है, ये लोग केरल से हैं, उनको दीजिए ज्वाइल। हाँ वो हाँ ठीक है, उनको दीजिए। टंडन जी को दीजिए। अब हम लोग राष्ट्रीय गान करेंगे और कुछ आपका एक मिनट का सभी लोग खड़े हो जाएंगे प्रोग्राम की शॉर्ट ऑफ टाइम को देखते हुए। मैं बस ये बताना चाहूंगी कि हमारे बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर से पधारे हुए सुरेश ठाकुर जी उपस्थित हुए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, पर इनका भी कोरोना काल में हमारे हॉस्पिटल के लिए अभूतपूर्व योगदान रहा जिसे हम भुला नहीं सकते। आप इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए सर्टिफिकेट दीजिए। सभी से अनुरोध है, सभी आदरणीय जनों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं और इसके तत्पश्चात प्रस्थान करेंगे और सभी लोग जो हैं बोलो
सभी लोग अपना जलपान ग्रहण कर कर जाएं, जिसकी व्यवस्था पीछे की तरफ की हुई है। कृपया सभी वीआईपी गेस्ट स्टाफ डॉक्टर से अनुरोध है कि वे बिना जलपान लिए हुए यहाँ से ना जाएं। उसकी व्यवस्था पीछे की तरफ की गई है।